दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पुंदार्टी और हमारे गुरुजीज व्लॉग यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप बहुत बहुत बड़े तीर्थ स्थलों पर गए होंगे, वहां का दर्शन भी किया होगा, लेकिन शायद आपको उस तीर्थ स्थल के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम किसी भी तीर्थ स्थल का जब भी आपको वीडियो के माध्यम से दर्शन कराते हैं तो हम उस वीडियो में उस तीर्थ स्थल के बारे में विशेष जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी तीर्थ स्थल के बारे में आपको पहले से जानकारी हो तो उस समय दर्शन करते समय आपको एक विशेष आध्यात्मिक आनंद मिलता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो भी नए नए वीडियो आपके लिए बनाते हैं वो वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो। दोस्तों आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उस तीर्थ स्थल के बारे में कहावत है, हर तीर्थ बार बार, हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तीर्थ स्थल गंगा सागर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, गंगा सागर का दर्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं गंगा सागर का दर्शन। दोस्तों गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थल है गंगा सागर। गंगा सागर वास्तव में एक टापू है जो गंगा नदी के मुहाने पर है। यहाँ काफी आबादी है। दोस्तों गंगा सागर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है। इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का पवित्र और सुंदर मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि गंगा सागर की यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्रियों के समान होती है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता, इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से होती है, जिसमें कहा गया है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि ये उस जमाने की बात है जब यहाँ पहुंचना बहुत कठिन था, अब यहाँ आना सुगम हो गया है। दोस्तों बर्फ से ढके हिमालय से आरंभ होकर गंगा नदी धरती पर नीचे उतरती है। और कलकल करती माँ गंगा हरिद्वार से मैदानी स्थानों से क्रमशः आगे बढ़ती हुई बनारस प्रयाग से प्रवाहित होती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा सागर में देश विदेश से तीर्थयात्रियों के साथ ही साधु संन्यासी भी आते हैं और संगम में स्नान करे लोग सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। कपिल मुनि के साथ ही विशेष रूप से यहाँ सूर्यदेव की पूजा की जाती है। यहाँ नगा से लेकर बाल व महिला सन्यासियों के संसार व माहौल को देख कुंभ मेले का भान होता है।
हिंदू धर्म ग्रंथों में इस स्थल की चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है। इसीलिए यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, गंगा सागर कैसे पहुंचा जाए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप रेल से यहां आ रहे हैं तो कोलकाता रेलवे स्टेशन से गंगा सागर पहुंचने में आपको 4-5 घंटे का समय लगेगा। इसके लिए आपको पहले बस या टैक्सी लेनी होगी और इसके बाद मुरी गंगा नदी को पार करने के लिए आपको फेरी यानी नाव लेनी होगी। अगर आप हवाई यात्रा से यहाँ आ रहे तो कोलकाता का सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गंगा सागर का निकटतम एयरपोर्ट है। गंगा सागर कब जाए? दोस्तों, जनवरी में यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। इस समय यहाँ का मौसम भी अच्छा होता है। इसके अलावा आप ठंड के मौसम में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, कुंभ मेले के बाद गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ लाखों लोग पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको तीर्थस्थल गंगा सागर के बारे में जो जानकारी दी है, मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।